विगत 12 वर्षों से मातृशक्ति संगठन शहीदों की याद में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम शौर्य का सम्मान करते आ रहा है। इस 13वें वर्ष में कोरोना काल ने परिस्थितियों को बदला है, लेकिन संगठन के हौसले बरकरार है। इस बार देश के कोने कोने से देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीदों के परिजनों को सिवनी आमंत्रित नहीं किया जा सका, लेकिन संगठन ने अपनी यूथ विंग समर्पण के साथ इन बलिदानियों के गांव-गांव जाकर इनके परिजनों का आत्मीय सम्मान किया। इस श्रृंखला में मध्य प्रदेश से शहीद बाला बिंदु कुमरे, अमर शहीद प्रवीण राजपूत, अमर शहीद फतेह सिंह कुडोपा, अमर शहीद अमित ठेंगे और महाराष्ट्र काटोल पहुंचकर 14 नवंबर दीपावली के दिन हंसते हंसते शहादत का जाम पीने वाले बलिदानी भूषण सताई के परिजनों का सम्मान भी किया गया। इस यात्रा में 26/11 मुंबई हमले में आतंकियों को धूल चटाने वाले बहादुर पुलिस के जवान भी मुख्तार दाऊद शेख से मुलाकात कर उनका सम्मान किया गया। सिवनी से जिला क्राइम सूरज बघेल की रिपोर्ट।